रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इफ द चाइल्ड सीट ऑन इट, तो क्या कंजर रहेगा? अगर एक डिस्क यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी अपने ओमेगा से रोटेट कर रहा है, समझना इसको, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा, अब इस पर एक बच्चा आके बैठ गया यार, ठीक है। अब यहाँ से मैंने एक बच्चे को बैठा दिया, ठीक है, ये इस पर बच्चा आके बैठ गया, ठीक है। अब बच्चा आके बैठ गया तो इस डिस्क का क्या कंजर रहेगा? क्या लीनियर मोमेंटम कंजर रहेगा? ठीक है, देखो लीनियर मोमेंटम तब कंजर रहता है जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, ठीक है। तो अगर देखोगे, ठीक है, तो ये इस बच्चे के ये डिस्क ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, और अगर इस पे बच्चा आके बैठ जाएगा, ठीक है, तो बच्चा बैठ जाएगा तो ये जो हिंज है, जो सपोर्ट है, ठीक है, वो कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स, अभी इसमें मैं सिस्टम मैं मान रहा हूँ, सिस्टम द चाइल्ड प्लस डिस्क इज ए सिस्टम, चाइल्ड प्लस डिस्क इज ए सिस्टम। ये बच्चा इस पर बैठ गया, इस पर खेलने लगे, कूदने लगे, इस पर रोने लगे, गाने लगे, ठीक है। तो अगर इस पर दौड़ने लगता है बच्चा, तो भाई ये जो हिंज है, सपोर्ट है, वो कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा देता है, जिससे लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता है, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता, कुछ ना कुछ ये हिंज सपोर्ट लगा दे, फोर्स लगा देगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। देखो अगर बच्चा इस पर है तो यहाँ से जो फोर्स लग रहा है हिंज पे, उसका टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट जीरो हो जाएगा, और बच्चे का नॉर्मल ऊपर गया, बच्चे का एम जी नीचे गया, इसका भी टॉर्क क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुल मिला के जीरो हो गया। तो नेट टॉर्क सिस्टम में जीरो है, मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है पर लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है मतलब हमारा बी ऑप्शन सही है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व थोड़ी रहेगी, ठीक है। बच्चे के बैठने से बच्चा यहाँ आके बैठ गया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया बढ़ गया, और मोमेंट ऑफ इनर्सिया बढ़ गया, ओमेगा घट गया, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई होगी पहले से, पोटेंशियल एनर्जी की तो बात ही मत करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ए सर्कुलर डिस्क इज टू मेड बाय